happen, this. It's gonna happen, this. क्या कहना चाहेंगे, नासिक में जो तेंदुआ था वो आदमखोर तेंदुआ आज आपकी तरफ से कैद हुआ है पिंजरे में, तो क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? एक लेपर्ड हमने रेस्क्यू किया है जो कि मेल है, 4 से 5 साल का उसकी उम्र होगी और फुल ग्रोन मेल है। उसको वडगांव शिवार नाशिक तालुका में हमने रेस्क्यू किया है और कुछ वहाँ हादसे भी हुए हैं जहाँ ह्यूमन किल हुआ है। तो अभी हम उसके सैंपल को, डीएनए सैंपल को हैदराबाद भेजेंगे एनालिसिस के लिए और उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि वो सेम लेपर्ड है, लेपर्ड मैन ईटर है कि नहीं है। और उससे पहले बिना रिपोर्ट के हम कुछ दावा नहीं कर सकते कि उसी ने वो जो ह्यूमन अटैक से वो किए। सर उसमें दो बच्चों की, छोटे बच्चों की जान भी गई थी, एक 4 साल का था, एक 5 साल की भी बच्ची थी, तो वो क्या लगता है आपको? वो गई है, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि हम उनको बचा नहीं पाए। इमीडिएट हमने उनको मेडिकल सपोर्ट भी दिया लेकिन वो बच नहीं पाए। लेकिन ऐसा कह नहीं सकते कि ये लेपर्ड रेस्पॉन्सिबल था जब तक उनका डीएनए सैंपल, जो हमको सैंपल्स मिले हैं उनके डेड बॉडी से और ये लेपर्ड मिला है, जब तक मैच नहीं होते तब हम तक कह नहीं सकते वो सेम लेपर्ड है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ये स्पीशीज प्रोटेक्टेड है, तो हम आगे एक्शन लेने के लिए हमें कुछ एविडेंस की जरूरत होगी। सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, या जो लेपर्ड पकड़ा गया है ये यही हो सकता है, या लोगों को कुछ आह्वान करना चाहेंगे आप? लोगों को यही आह्वान करना चाहेंगे कि आप सतर्क रहिए। जब शाम के और सुबह के टाइम पे ये जो नरभक्षी है, जो ये नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, वो मूवमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे ये जनरली अटैक 3 साल के बच्चे पर करते हैं या फिर जो ओल्ड एज के 60 या 70 ईयर्स ओल्ड के, तो उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप बाहर जाते हैं तो अकेले ना जाए, कुछ लोगों को साथ लेके जाए या फिर मोबाइल में कुछ कुछ तेज़ आवाज़ के गाने बजा सकते हैं, आप रेडियो बजा सकते हैं, हाथ में काठी हो तो आप इससे बच सकते हैं।